Good morning, dear student. Today we are going to discuss the rock properties. We have already covered the rock properties like porosity, permeability, saturation, overburden pressure. Now we will discuss the rock compressibility, net face thickness, and reservoir heterogeneity. So let's start with the rock compressibility. As we know that every reservoir is underground. Underground means वो thousand of feet underground होगा. तो उस रिजर्वर पे कुछ ना कुछ ओवरबर्डन प्रेशर होगा. ओवरबर्डन प्रेशर किस वजह से होगा, जैसे कि अपन को पता है ओवरबर्डन प्रेशर की डेफिनेशन से देखें तो कैसे होगा कि जो भी उसकी ओवरलेइंग जो रॉक है, जो लेयर्स है, उनकी वजह से पर्टिकुलर लेयर पे जो फोर्स लगेगा या जो लोड लगेगा, जो स्ट्रेस लगेगा, उसको बोलेंगे अपन ओवरबर्डन प्रेशर. अब ओवरबर्डन प्रेशर है वो अलग अलग रिजर्वर में या अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह से लगेगा और वो डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया वेरी भी करता है. वो वेरी क्यों करता है, क्योंकि वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर है डेप्थ, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उस रिजर्वर का डेप्थ कितना ज्यादा है. जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा ओवरबर्डन प्रेशर होगा. लाइक मुझे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला कि 1000 फीट पे इस लेयर पे जो ओवरबर्डन प्रेशर होगा और एक होगा 2000 फीट पे ओवरबर्डन प्रेशर. तो ऑब्वियसली 2000 फीट पे क्या होगा, ओवरबर्डन प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा है. इसलिए डेप्थ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा ओवरबर्डन प्रेशर में. ठीक है, देन होता है नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर किस टाइप की है, उसकी नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा. देन कंसोलिडेशन ऑफ द फॉर्मेशन, अपना फॉर्मेशन है वो कितना कंसोलिडेटेड है. कंसोलिडेटेड मतलब वो कितना टाइटली कॉम्पैक्टेड है, कितना टाइटली पैक्ड है, मतलब जितना ज्यादा उसमें मटेरियल मतलब मैट्रिक्स या ग्रेन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा लोड ज्यादा होगा. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट होता है जियोलॉजिक टाइम एंड हिस्ट्री, मतलब वो कौन से कितने टाइम ड्यूरेशन में डिपॉजिट हुआ है अपना फॉर्मेशन, एंड उसके अलावा उसकी डिपोजिशनल हिस्ट्री क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा. जनरली अपन जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो 1 PSI पर फीट कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इन ओवरबर्डन के प्रेशर पे उस रॉक पे कुछ ना कुछ जो भी उसकी रॉक के ग्रेन्स है वो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे और उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, उसकी वजह से रॉक क्या होगी, कंप्रेसिबल होगी. ठीक है, अब एक होता है इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर. इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, अगर डेफिनेशन से देखेंगे तो वो होता है ओवरबर्डन प्रेशर माइनस पोर प्रेशर. अब पोर प्रेशर क्या होता है कि जो भी फ्लूइड है, जो भी पोर स्पेसेस है, उनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं पोर प्रेशर. जनरली अपन पोर प्रेशर है वो 0.5 PSI पर फीट कंसिडर करते हैं. ठीक है, और पोर प्रेशर होता है वो क्या होगा ड्यूरिंग डिप्लीशन प्रोसेस, मतलब डिप्लीशन मतलब जब भी अपन प्रोडक्शन लेंगे मतलब अपना प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है. प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है तो मतलब प्रेशर कौन सा डिक्लाइन कर रहा है, फ्लूइड बाहर आ रहा है तो फ्लूइड का जो प्रेशर है फ्लूइड की वजह से वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब अपना पोर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. पोर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो अपना इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. लाइक इस फॉर्मूले में देखेंगे अगर ये वाला पोर्शन जो इसमें से माइनस हो रहा है, पोर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो अपना इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, जैसे अपन इसका इफेक्ट देखेंगे अगर कि ये इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना जो भी बल्क वॉल्यूम मतलब जो भी टोटल वॉल्यूम है रॉक का प्लस फ्लूइड का, अगर फ्लूइड का अपन बोल रहे हैं डिक्रीज हो रहा है तो टोटल बल्क वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है. तो बल्क वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से उसके अलावा जो भी सैंड ग्रेन्स है विद इन द पोर स्पेसेस वो क्या करेंगे, जैसे ही फ्लूइड वहां से रिमूव करेंगे तो सैंड के जो पार्टिकल से वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, और उसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी जो रॉक की कंप्रेस होने की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी और पोरोसिटी इंक्रीज होगी और इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर मतलब ये ओवरऑल इंक्रीज होगा. ठीक है, नेक्स्ट है अलग अलग डेफिनेशन से रॉक कंप्रेसिबिलिटी की. लाइक फर्स्ट कंसिडर करेंगे रॉक एंड मैट्रिक्स का कंप्रेसिबिलिटी. रॉक एंड मैट्रिक्स इट मीन्स मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, बेसिकली जो वहाँ पे सैंड ग्रेन्स है उनकी वजह से रॉक की कंप्रेसिबिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, रॉक की कंप्रेसिबिलिटी क्या है. ठीक है, तो रॉक की कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन अपन जानते हैं कि यूनिट चेंजिंग फ्रैक्शन ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट
पॉइंट करी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रॉक एंड बल्क कंप्रेसिबिलिटी। रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी मतलब टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बल्क वॉल्यूम है, मतलब इसमें पोर वॉल्यूम भी है, मतलब फ्लूइड की वजह से जो वॉल्यूम है वो, प्लस उसमें जो रॉक मैट्रिक्स है उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो, तो इन दोनों को मिला के जो डेफिनेशन अपन देखें वो होगी रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी। देन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोर कंप्रेसिबिलिटी। पोर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीपीपी, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पोर कंप्रेसिबिलिटी को। ये होगा फ्रैक्शनल चेंज इन पोर वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर विद यूनिट चेंज इन पोर प्रेशर। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये है वो क्या है, पोर वॉल्यूम है, पोर वॉल्यूम मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम है, क्योंकि पोर्स के अंदर जो भी फ्लूइड है। अब अपन बोलते हैं कि जो भी अपना रॉक एंड बल्क कंप्रेसिबिलिटी है उसको अपन क्या होते हैं, वो बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू पोर कंप्रेसिबिलिटी। सो उन दोनों को अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और जो अपनी टोटल कंप्रेसिबिलिटी होती है मतलब जो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको अपन पोर कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल कंसिडर कर देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन या टोटल कंप्रेसिबिलिटी या फिर पोर कंप्रेसिबिलिटी। अगर उसको पोरोसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी, ये फॉर्मूला था अपना, ये चेंज इन पोर वॉल्यूम था, ठीक है। अगर अपन को पोर वॉल्यूम में चेंज निकालना है कि कितना वॉल्यूम अपन ने वहां से रिमूव किया, या तो वहां पे कितना प्रेशर में चेंज आया पोर प्रेशर में, या कितना पोर वॉल्यूम में चेंज आया, तो उसके लिए अगर चेंज इन पोर वॉल्यूम निकालना तो उसका फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर अपन भेजेंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें एक बार गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो अपन लैब में निकालते हैं कंप्रेसिबिलिटी, रिजर्वॉयर की कंप्रेसिबिलिटी उसका हाफ होती है, ठीक है। और जो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी की रेंज होती है वो 3 × 10⁻²⁵ × 10⁻⁶ इतनी वेरी कर सकती है, ठीक है। अगर अपन ऐसे बात करेंगे फ्लूइड की टर्म्स में तो फिर गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, देन होगा ऑयल, देन होगा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है नेट पे थिकनेस। नेट पे थिकनेस कहाँ पे यूज होगी, जहां पे अपन को कोई भी इनिशियल ऑयल वॉल्यूम निकालना हो। इनिशियल ऑयल वॉल्यूम निकालना हो तो अपन को पहले पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर लेयर में या किस पर्टिकुलर थिकनेस की लेयर में अपना ऑयल होगा, कितने में अपना ऑयल है, कितने में, क्योंकि वहां पे वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो नेट पे थिकनेस होता है वो काम में लेते हैं अपन जब अपन मैप वगैरह ड्रॉ करते हैं जियोलॉजिकल मैप, तो नेट पे थिकनेस होगी वो वाली जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ऑयल की रिकवरी में। देन होता है ग्रॉस पे थिकनेस। ग्रॉस पे थिकनेस क्या होगा, टोटल थिकनेस ऑफ द ऑयल बेयरिंग पोर्शन ऑफ द फॉर्मेशन बिलो द ऑयल वाटर कॉन्टेक्ट। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो टोटल थिकनेस हुई है कि टोटल थिकनेस कितना है जिसमें ऑयल का ऑयल बेयरिंग पोर्शन है, ठीक है। बट इसमें क्या करेंगे अपन, जो भी वाटर बेयरिंग या ऑयल वाटर कॉन्टेक्ट के बिलो का पोर्शन है उसको अपन रिमूव कर देंगे। लाइक जैसे यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे वाटर है, देन यहाँ पे कहीं होगा ऑयल वाटर कॉन्टेक्ट। देन अगर मुझे ग्रॉस पे थिकनेस निकालना है, ग्रॉस पे थिकनेस क्या होगा कि ये जो ऑयल वाटर कॉन्टेक्ट के नीचे का पोर्शन है, मीन जो वाटर बेयरिंग जोन है या वाटर बेयरिंग पोर्शन है उसको अपन रिमूव कर देंगे, और ऑनली जो यहाँ इसके ऊपर का पोर्शन है वो थिकनेस होगी, वो ग्रॉस पे थिकनेस होगी। बट ये रिकवरी ऑयल की रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जो ऑयल की रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी उसको बोलते हैं अपन नेट पे थिकनेस। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। नेट पे थिकनेस को निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट ऑफ पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। अब पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी इज द फोरमोस्ट कंसर्न फॉर एवरी ऑयल एंड फॉर एनी ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर। ऐसा ये दोनों चीज होगा जब भी अपना रिकवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पोरोसिटी क्या बताएगी कि कितना उसका होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना उसने फ्लूइड को होल्ड करके रखा है। परमेबिलिटी बताएगी अपन को रिकवरी कैसे मिलेगी, मतलब उसमें चैनल्स है कि नहीं है, वो फ्लूइड को ट्रांसमिट कर पाएगा या नहीं, ठीक है। देन अपर लिमिट ऑफ द वाटर सैचुरेशन।
उससे ज्यादा वाटर का सेचुरेशन हुआ देन अगर उसको अपन कैरी आउट करेंगे तो वो कमर्शियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों अपन को कंसिडर करना होगा और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना ग्रॉस वॉल्यूम है, वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी लिमिट कंसिडर की जाती है, ठीक है। नेट पे थिकनेस या ग्रॉस फॉर्मेशन थिकनेस, इसको समझने के लिए अपन ने एक डायग्राम बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये डेप्थ है, कोई भी फॉर्मेशन का यहाँ पे ड्रॉप है कितना 4018 फीट पे, यहाँ पे उसका बॉटम है 4048 फीट पे, ठीक है। ये फॉर्मेशन का टॉप है, ये फॉर्मेशन का बॉटम है। देन फ्रॉम दिस टू दिस ये पूरा पोर्शन है वो होगा टोटल फॉर्मेशन थिकनेस, ठीक है। अगर उसमें से मुझे टोटल या ग्रॉस फॉर्मेशन थिकनेस, तो मतलब यहाँ टॉप बॉटम से लेके टॉप तक के पोर्शन को अगर मैं माइनस कर दूँ, यानी कि ये टोटल फॉर्मेशन या टोटल थिकनेस ऑफ द फॉर्मेशन या ग्रॉस थिकनेस ऑफ द फॉर्मेशन कितना होगा 30 फीट होगा। अगर मुझे निकालना है कि ग्रॉस पे थिकनेस कितना होगा, ग्रॉस पे थिकनेस कितना होगा, उसमें मैं क्या करूंगी, जितना भी ऑयल वाटर कॉन्टेक्ट है उसके बिलो पोर्शन जितना भी है उसको रिमूव करूंगी, ठीक है। मीन्स 4040 से 4018, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है वो क्या होगा, ग्रॉस पे थिकनेस होगा, मतलब ये ऑयल बियरिंग जोन है बट ये रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद बोलना है मुझे कि नेट पे थिकनेस, अपन ने क्या बोला नेट पे थिकनेस के लिए कि ये ऑयल रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो इसमें जो ये शेल का पोर्शन है वो भी अपन रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो शेल है वो ऑयल रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है। मीन्स अपना जो भी 22 फीट आया था ग्रॉस पे, उसमें से अगर मैं इतना सा पोर्शन और माइनस कर दूंगी देन अपना जो नेट पे थिकनेस आएगा जो ऑयल रिकवरी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो होगा 19 फीट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रॉक प्रॉपर्टीज लाइक रॉक कंप्रेसिबिलिटी एंड नेट पे थिकनेस एंड ग्रॉस पे थिकनेस। नेक्स्ट वी विल कवर द रिजर्वॉयर हेटेरोजेनिटी इन नेक्स्ट लेक्चर।